नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए देखते हैं आज हम किन आर्टिकल्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पहला आर्टिकल जो है हमारा, वो प्रेस की स्वतंत्रता पे एक जो सेंसरशिप लगाई जाती है हमारी न्यायिक प्रणाली के द्वारा, उसके बारे में बात करता है। रिसेंट में कोर्ट के कुछ जजमेंट आए हैं आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से संबंधित, इन्हीं इंसिडेंट्स के बारे में, इन्हीं समाचारों के बारे में चर्चा करता हुआ ये आर्टिकल है। उसके बाद में जो हमारा दूसरा आर्टिकल है वो हमारे दिव्यांगजनों से संबंधित है। जैसे हमने कल भी डिस्कस करा था, उसके आगे ही ये चर्चा आगे बढ़ाता हुआ ये आर्टिकल है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, और सिर्फ राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हम कुछ चीजों से प्रतिबद्ध है, कुछ यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल है, कुछ हमारे ऊपर ऑब्लिगेशंस है, उसको भी हमको पूर्ण करते हुए दिव्यांगजनों का के लिए हमारे समाज को और समावेशी बनाने की जरूरत है। अंत में हमारा न्यूज इन फ्लैश है जिनमें हम महत्वपूर्ण समाचारों की चर्चा करते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ू, उससे पहले लॉ सीखो कि ये कुछ पैकेजेस और कोर्सेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेस, जो कि हमारी जुडिशियरी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके अलावा ये और कुछ कोर्सेस है। चलिए आज का एमसीक्यू देखते हैं। तो आज का जो एमसीक्यू है वो यह है कि क्वीन एलिजाबेथ कितने देशों में हेड ऑफ द स्टेट है, कौन कितने देशों की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय प्रमुख है। तो आपका ऑप्शन ए है 3 देशों में, ऑप्शन बी 6 देशों में, ऑप्शन सी 10 या ऑप्शन डी 15 देशों में। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो चलिए आज का हमारा वर्णनात्मक प्रश्न डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं हम। वह यह है कि क्या हम वास्तव में अपने समाज को दिव्यांगजनों के लिए समावेशी बना पाए हैं? हमारे समाज को दिव्यांगजनों के लिए और अधिक समावेशी बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? तो आज का ये वर्णनात्मक प्रश्न है जिसका उत्तर आप 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए हमारे पहले आर्टिकल की ओर पढ़ते हैं जो कि प्रेस की स्वतंत्रता पे है। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उन्होंने ये एक निर्णय दिया कि एडवोकेट जनरल ऑफ आंध्र प्रदेश जो रह चुके थे, फॉर्मर एडवोकेट, पूर्व एडवोकेट जनरल, उन पर एक FIR फाइल की गई। तो इससे रिलेटेड किसी भी मीडिया को ये इंटरिम ऑर्डर दिया गया, किसी भी मीडिया को ये स्वतंत्रता नहीं है कि वो इसको, इस पर कुछ चर्चा करे या इससे संबंधित कोई न्यूज चलाए। और सिर्फ मीडिया ही नहीं, ये जो प्रतिबंध है ये सोशल मीडिया पर भी लगाया गया। तो इसी के बारे में चर्चा करता हुआ ये आर्टिकल है। तो ये एक प्रश्नात्मक क्यों हो गया, ये क्वेश्चनेबल क्यों हो गया है? तो सबसे पहला कि ऐसा कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर हम एक सेंसरशिप की बात करें तो ये किसी भी प्रकार से जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि इसके चलते आपने कुछ कारण नहीं बताया, न्यायालय ने ऐसा कोई स्पेसिफिक कारण नहीं बताया कि हाँ इसके चलते ही हम सेंसरशिप लगा रहे हैं। तो इसीलिए एक ही अनजस्टिफाइड कदम राइटर कहते हैं इसको। उसके अलावा अगर हम दूसरा पॉइंट देखें तो कि जो भी एलिगेशन लगे हैं, जो भी आरोप लगे हैं खासकर सरकार के संबंध में, उसकी स्क्रूटनी, उसकी जांच और उसके बारे में चर्चा और उसका एक मीडिया कवरेज होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये सरकार से संबंधित है। सरकार से संबंधित मतलब सीधे तौर पे लोगों से संबंधित हो गया, इसलिए ऐसे विषयों के बारे में चर्चा होनी ही चाहिए, राइटर कहते हैं। उसके साथ में जो लेजिटिमेट कमेंट है, जो कि कानूनी रूप से सही है, उनके एक सेंसरशिप उनके ऊपर लगाना या उनको रोकना किसी भी हद तक सही नहीं है। हाँ, आपको प्रेस की स्वतंत्रता है, वो आर्टिकल 19 में जो रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं, जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, उन्हीं के दायरों में होनी चाहिए। अगर ये उन्हीं के दायरों में है तो आप इनको लेजिटिमेट कमेंट्स को या लेजिटिमेट टिप्पणियों को, न्यायिक टिप्पणियों को आप क्यों प्रिवेंट कर रहे हो? तो उसके बारे में ये कहा गया है कि ये जो पब्लिक, ये जो लगाया गया एक इंजंक्शन लगाया गया, जो प्रतिबंध लगाया गया, ये पर्टिकुलर इस बात को ध्यान में रखते लगाया गया कि इससे कोई भी मानहानि ना हो, कोई भी डिफेमेशन नहीं हो, और जो एक निजता का अधिकार है, जो अक्यूज्ड पर, जो फॉर्मल एडवोकेट जनरल पर जिनका आरोप लगा है, उनका निजता का अधिकार भी इससे बाधित नहीं हो और कोई मानहानि, पॉसिबल मानहानि ना हो, इसलिए न्यायालय ने बोला कि एक प्रतिबंध लगना चाहिए। उसके साथ में कहीं ना कहीं न्यायालय ने ये भी कहा कि एक फेयरनेस जो रहती है ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन में, वो बरकरार रहनी चाहिए, वो बनी रहनी चाहिए, उसके साथ में छेड़छाड़ी नहीं होनी चाहिए, इसलिए ही हमने ये कदम उठाया है। इससे पहले अगर हम सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट देखें, सहारा वर्सेस सेबी का, सहारा आपको पता है कि
बहुत बड़ा एक घोटाला हुआ था सहारा इंडस्ट्री का। उसके बाद में उन पे काफी केसेस चले, अभी भी उसके जो प्रमुख है वो जेल में ही है। तो उस टाइम पे भी एक ऐसा ही मुद्दा गया था सुप्रीम कोर्ट में कि न्यायालय को एक प्रिवेंट करना चाहिए। तो कोर्ट ने ये कहा था कि कोर्ट कैन ग्रांट प्रिवेंटिव रिलीफ ऑन बैलेंसिंग ऑफ राइट ऑफ फ्री ट्रायल ऑन फ्री प्रेस। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली एक प्रेसिडेंट सेट करते हुए कहा है कि हाँ, हम लगा सकते हैं प्रतिबंध, पर कहीं ना कहीं फ्री ट्रायल और फ्री प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि अभी एक और मुद्दा चर्चा में था कि सुदर्शन टीवी जो एक न्यूज चैनल है उसका एक कार्यक्रम आता था हल्ला बोल, उसके पर भी एक जजमेंट आया। उसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक रोक रखा था, अभी एक नया बदलाव आया है उसमें। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली बताया है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, हमारी अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, उसके साथ में जो प्रोपगेशन ऑफ हेट है, जैसे कि कोई हेट फैलाने की कोई गतिविधि है तो उसमें एक अंतर होना चाहिए। तो जो सुदर्शन न्यूज का ये एक कार्यक्रम था उसको सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एक हेट फैलाना फैलाने का, एक हीन भावना फैलाने का एक बड़ा ही सिस्टमेटिक कदम उठाया गया था, जो कि एक पर्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट एक हीन भावना, एक हेट की भावना फैलाता है। तो चलिए हमारा दूसरा आर्टिकल देखते हैं, जो कि है डिफरेंटली एबल्ड कम्युनिटी के बारे में, हमारे दिव्यांग जनों के बारे में। तो जैसे कि पता होगा आपको कि 75 वर्ष हो गए हैं, यूनाइटेड नेशंस ने ये एक प्लेज लिया था कि मैन और वुमेन और बाकी सभी ह्यूमन को वो एक बराबरी का हक दिलवाएंगे। लेकिन हम जब भी सोचते हैं तो हम काफी एक सीमित दायरे में सोचते हैं, हम महिला और पुरुष तक रिस्ट्रिक्टेड रह जाते हैं, या तो किस तबके तक रिस्ट्रिक्टेड रह जाते हैं। लेकिन हमको ये समझने की जरूरत है कि दिव्यांग जन जो डिफरेंटली एबल्ड है, वो भले ही हमारे जैसे नहीं हो, हमारी जितनी भले ही उनकी क्षमता नहीं हो, लेकिन उनको भी बराबर हर चीज का अधिकार है जो हमारा अधिकार है। वैसे ही यूनाइटेड नेशंस का, जो संयुक्त राष्ट्र का एक मूलभूत जो वैल्यू है, वो भी यही कहता है कि प्रैक्टिस टॉलरेंस एंड एंडोर्स वैल्यू ऑफ इक्वेलिटी। मतलब आपको जो एक सोसाइटी आपकी टॉलरेंट होनी चाहिए, उसके साथ में एक जो समानता की भावना है उसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। कुछ हम स्टेटिस्टिक्स, कुछ आंकड़ों की ओर नजर डालते हैं दिव्यांग जन से संबंधित। तो अगर हम विश्व में बात करें कि सबसे बड़ी माइनॉरिटी कौन सी है, तो ये जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है ये दिव्यांग जनों की है। अगर हम पूरे विश्व में हर टाइप के डिसेबल्स पॉपुलेशन को अगर हम गिनती करें उनकी, तो ये वर्ल्ड का 15% है, जो कि किसी भी माइनॉरिटी ग्रुप के में से सबसे ज्यादा संख्या रखने वाला ग्रुप है। तो ये जो हमारी सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, इसीलिए हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम खास तौर पे इनके लिए कदम उठाए। उसके साथ में 80% जो हमारी जनसंख्या है दिव्यांग जनों की, ये डेवलपिंग कंट्रीज में है, विकासशील देशों में है। तो यहाँ विकासशील देशों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उसके अनुसार अगर हम भारतीय आंकड़ों पर देखिए, तो जो हमारी सेंसस 2011, जो हमारी जनसंख्या की गणना होती है हर 10 वर्षों में, 2011 के अगर हम पिछले आंकड़ों की बात करें तो करीब करीब 73.6% जो लोग डिसेबल है वो लेबर फोर्स से बाहर ही है, मतलब वो किसी और पे अभी भी आश्रित है। उसके अलावा ये कैसे हमारे दिव्यांग जनों को अफेक्ट करता है उसके बारे में राइटर ने बताया है। तो सबसे पहले जो शिक्षा का अधिकार है ये उसको बाधित करता है, क्योंकि हमारी हम शिक्षा प्रणाली में देखते हैं कि खासकर जो हमारी शासकीय स्कूल है, या हम निजी स्कूलों की भी बात करें, तो ये ऐसे बने हैं कि जो एक आम बच्चा होता है उसके हिसाब से, लेकिन अगर दिव्यांग जन है वो पढ़ नहीं पाता है, वो लिख नहीं पाता, है, उसके पास में कुछ शारीरिक अक्षमता है, उसके बारे में, तो उसको दूर करने के लिए उसको कैसे सक्षम बनाया जाएगा, इसके बारे में हमारा हेल्थ जो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कुछ भी नहीं है। उसके साथ में जो हेल्थ केयर है उसकी भी बात की गई है कि हेल्थ फैसिलिटी उनको जितनी मिलनी चाहिए वो भी उनको बराबर रूप से नहीं मिल पाती है। आपकी सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, हर हॉस्पिटल में, हर बड़ा जो हॉस्पिटल होता वहाँ डिसेबल के लिए एक पर्टिकुलर जगह होने की जरूरत है। वहां पर सरकार को नीतियां चलाने की, स्कीम्स लाने की जरूरत है कि डिसेबल जो आश्रित रहता है सब पर, उसको ये सारी जो बेसिक मूलभूत सुविधा है इससे वंचित ना हो सके। लेकिन ऐसा हमको सिर्फ कागजों में दिखता है कि कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता हम ग्राउंड पे देखें तो
तो अभी तक ऐसा कोई बड़ा कदम नहीं दिखता है। उसके साथ में जैसे कि हमने भारत के संदर्भ में आंकड़े देखे तो करीब करीब 74% जो दिव्यांगजन है उनकी पॉपुलेशन लेबर फोर्स से बाहर ही है, तो इनको इम्प्लॉयमेंट का तो कहीं एक्सेस ही नहीं मिलता। उसके साथ में जो एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अलग अलग फील्ड में, वो भी अपॉर्चुनिटी से वो वंचित रह जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जैसे लाइब्रेरीज है हमारे पास में, लेकिन लाइब्रेरी में हम ये नहीं देखते कि जो दिव्यांगजन है जो पढ़ नहीं पाते उनके लिए भी क्या सुविधा है, क्या उनके लिए भी उतनी पुस्तक अवेलेबल है कि नहीं है, इन सारी चीजों का भी ध्यान रखने की राइटर ने बात की गई है। उसके साथ में एक स्टिग्मा बन गया है, एक सोच बन गई है। उसके साथ में हम कहीं ना कहीं जो उनको राइट्स मिलना चाहिए, उनका एक हम में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उनको राइट्स देने की, उसमें भी कमी है। तो सब पहला पॉइंट ये बताया गया है कि वो कैसे अपने और से एक कंट्रीब्यूट कर सकती सोसाइटी को। ये हम हर मनुष्य ये सोचता है, वो उसका जो एक एग्जिस्टेंस है एग्जिस्टेंस में ही ये रहता है कि वो कैसे समाज को कंट्रीब्यूट कर सकता है जिससे उसको सेल्फ वर्थ आता है। लेकिन दिव्यांगजनों के लिए ऐसी कोई सुविधा ही नहीं है जिससे वो समाज में इस वैल्यू फंक्शन में कुछ अपने और से कंट्रीब्यूट कर सकते। उसके साथ में अमर्त्य सेन जो है भारत रत्न रह चुके हैं, बड़े ही अर्थव्यवस्था के एक्सपर्ट माने जाते हैं, उन्होंने भी कहा है कि कैपेबिलिटीज बढ़ा के ही हम ह्यूमन डेवलपमेंट के और बढ़ सकते हैं। तो कैपेबिलिटीज कैसे बताएंगे, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि जैसे हम शिक्षा व्यवस्था में ही बात करें कि बड़ी बड़ी महाविद्यालयों में लाइब्रेरी होती है, स्कूलों में लाइब्रेरी होती है, लेकिन वहां पे जो आम बच्चे हम और आपके जैसे जो लोग हैं केवल उनके लिए व्यवस्था है, लेकिन जो दिव्यांगजन है क्या उनको ब्रेल लिपि के बराबर पुस्तकें अवेलेबल है, कंप्यूटर से गैजेट से, लेकिन क्या वो ब्लाइंड फ्रेंडली या जो दिव्यांगजन है उनको आसानी से वो उसको उपयोग किया करे वैसी क्या बनाई गई है कि नहीं गई है। शिक्षा व्यवस्था की बात करते तो वहां पे एक बहुत जरूरी चीज ये भी आ जाती है कि स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा से आज जुड़ा ही हुआ है, स्कूल में कॉलेज में स्पोर्ट्स की जो हमारी खेल की सुविधा है, लेकिन क्या दिव्यांगजनों के लिए भी जो खेल की सामग्री होनी चाहिए या जैसी व्यवस्था होनी चाहिए क्या उनको भी बराबर बढ़ावा मिलता है कि नहीं मिलता है, उसकी भी बात की गई है। और पर्टिकुलरली अभी महामारी के इस दौर में जो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हुआ है वो हमारी ये दिव्यांग जनसंख्या ही है, सबसे मार्जिनलाइज्ड वे में ये रही है, इनको जो लैक ऑफ एक्सेस ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म मिला है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि इंटरनेट अब एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन क्या ये डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या इंटरनेट का बराबर इन तक पहुंच है क्या दिव्यांगजनों से, तो जहां तक इसका उत्तर मिलता है ये काफी ज्यादा नकारात्मक ही मिलता है हमको। बहुत से दिव्यांगजन जैसे जो ब्लाइंड लोग हैं गैजेट्स अभी तक उतने फ्रेंडली नहीं बने हुए हैं कि ये उनके लिए भी वो भी इसका इस्तेमाल बराबर रूप से कर सके। उसके साथ में अब बताया जा रहा है कि क्या कदम उठाए जा सकते हैं, तो जो सबसे बड़ा कदम है यूनेस्को 2019 स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ऑफ इंडिया की जो स्टडी हुई उन्होंने एक कदम ये सुझाया कि हम हमारे समाज को और डाइवर्स और विभिन्न और एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर पैदा करे जो कि चिल्ड्रन और फैमिली की अलग अलग रिक्वायरमेंट को देखे, उस अंडरस्टैंडिंग को समझे और उसके हिसाब से कदम उठाए। यहाँ पर सिर्फ जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ सरकार की नहीं होती, यहाँ हमारे और आपके जैसे आम जो व्यक्ति है जो आम नागरिक है समाज के उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम कैसे हमारे दिव्यांगजनों को इस समावेशी समाज का एक हिस्सा बनाए। उसके साथ में SDG 4 जो है उसका 2030 का जो एजेंडा है कि हम क्वालिटी एजुकेशन दे हर एक बच्चे को, जहाँ पे हम हर एक बच्चे को बात करते हैं तो वो उस आखिरी बच्चे की बात होती है जो सबसे ज्यादा वंचित हो इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से या और किसी दृष्टि से, तो उस तक ये जरूरतें पहुंचाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो जहां हमारे विश्व की 15% जनसंख्या दिव्यांगजन है तो उन तक हम कैसे, उनमें कितने बच्चे होंगे और हम उन तक कैसे हम एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन पहुंचा सकते हैं, तभी हम हमारा SDG 4 का जो एजेंडा है 2030 तक पूर्ण करने का वो हम कंप्लीट कर पाएंगे। उसके अलावा ये कहा गया है कि इन्वेस्टमेंट ऑन यूथ जो कि डिसेबल्ड है जो कि दिव्यांगजन है, आज हमारे देश में सबसे बड़ी जनसंख्या युवा जनों की है, उनमें भी दिव्यांगजन की एक बड़ी पॉपुलेशन है, तो हमको इनके और भी एक निवेश करने की आवश्यकता है। तो चलिए SDG 4 की जैसे मैंने चर्चा करी,
तो एसडीजी 4 क्या कहता है, हम एक बार जरा ये देख लेते हैं। तो जो पहला है वो है प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन की बात करता है, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की बात करता है सबके लिए। उसके साथ में जो दूसरा बिंदु है वो ये कहता है कि अर्ली चाइल्डहुड प्री प्राइमरी एजुकेशन, जैसे हमारी एनईपी में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात की गई है, तो ये भी हर बच्चे को उसका हक मिलना जरूरी है। उसके साथ में हायर एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग भी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। उसके साथ में अगर हम देखें तो जेंडर इक्विलिटी होनी चाहिए, सबको बराबर का हक मिलना चाहिए, सबकी जो रिसोर्सेस से तक पहुंच है वो सबको बराबर की होनी चाहिए। उसके साथ में जो हमारे यूथ है, जो हमारे एडल्ट है, ठीक है, जो हमारे वयस्क है, भले ही वो शिक्षा से बचपन में वंचित रहे लेकिन उनको भी बराबर शिक्षा का अधिकार देने की जरूरत है। उसके साथ में अगला जो पॉइंट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है और ग्लोबल सिटीजनशिप की बात की गई है, मतलब हम विकास करें लेकिन हमारे पर्यावरण को, हमारे और दूसरों को कोई नुकसान पहुंचाते हुए हम वो डेवलपमेंट ना करें। उसके साथ में जैसे कहा गया है कि सारा विश्व एक परिवार है, उसी तरह हमको ग्लोबल सिटीजनशिप को भी बढ़ावा देने की जरूरत है। उसके साथ में ऐसा लर्निंग हो जिसमें हमको इन्वायरमेंट के प्रति, पर्यावरण के प्रति भी सम्मान भावना एक बढ़े। उसके साथ में स्कॉलरशिप या और कोई सपोर्ट जो कि हायर एजुकेशन मिल सकता है उसकी बात की गई है। और इन सब में जो सबसे ज्यादा महत्व मैं कहूंगा मेरी दृष्टि से वो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, जो जो हमारे अध्यापक है, जो शिक्षक है, उनकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग और वो कैसे उनके विद्यार्थियों की नीड को पूरा कर सके उस और भी ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है। तो चलिए आज का हमारा न्यूज इन फ्लैश देखते हैं। जो पहली खबर है वो बारबाडोस से आ रही है, वहां पे क्वीन एलिजाबेथ जो है, जो यूनाइटेड किंगडम की महारानी जो है, वो अभी तक वहां की हेड ऑफ स्टेट हुआ करती थी, लेकिन रिसेंटली जो बारबाडोस की प्राइम मिनिस्टर है मिया मॉटले, उन्होंने ये निर्णय लिया है कि अब बारबाडोस का जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो बारबाडोस सिटीजन ही होगा, वो क्वीन एलिजाबेथ नहीं रहेगी। तो अगर आपको पता होगा 1966 में बारबाडोस को इंडिपेंडेंस मिला था कॉलोनियल एरा से, जो औपनिवेशिक बात चल रहा था वहां पे, जो अंग्रेजी प्रशासन चल रहा था, उनसे उनको स्वतंत्रता 1967 में मिली थी। उसके बाद में अगर हम आज की दृष्टि से देखें तो बारबाडोस मिला के ऐसे 15 विभिन्न देश हैं जहां पर क्वीन जो है, क्वीन एलिजाबेथ जो है, इंग्लैंड की रानी जो है, वो हेड ऑफ द स्टेट मानी गई। इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कैनेडा जैसे कुछ बड़े बड़े देश भी है। तो अभी नवंबर 2021 को ये अपनी 55th एनिवर्सरी बनाएंगे इंडिपेंडेंस को। तो देखते हैं कि ये जो निर्णय लिया गया है ये किस और आगे बढ़ता है और क्या ये निर्णय वास्तविकता में कदम बढ़ा पाता है कि नहीं बढ़ा पाता है। उसके अलावा जो दूसरी न्यूज है, जैसे आपको पता है हमारा सत्र चल रहा है संसद का, रोज राज्यसभा और लोकसभा से कुछ बिल पास हो रहे थे, उसी गिनती में लोकसभा में एक और बिल पास हुआ जो कि है बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, जिसमें अब ये निर्णय लिया गया कि जो कोऑपरेटिव बैंक है, वो कोऑपरेटिव बैंक जो अभी तक सुपरवाइज किए जाते थे स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्स के द्वारा, वो अब आरबीआई से सुपरवाइज हो गए। तो अभी ये है कि रेगुलेटिंग अथॉरिटी आरबीआई थी लेकिन जो सुपरविजन था वो स्टेट के पास में पावर था, तो अब ये सुपरविजन का जो पावर है वो भी आरबीआई के पास में चला गया। विपक्ष की ओर से काफी इसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट भी आए कि फेडरल स्ट्रक्चर जो संघवाद का ढांचा है उस पर ये एक चोट है, और भले ही आप जो फ्रॉड होते हैं कस्टमर्स के साथ में उनको बचाने के लिए कदम उठा रहे हैं, लेकिन क्या ये सही है? क्या आप सारी समस्याओं का हल जो है आरबीआई के पास में ही जाके आपको मिले? तो देखते हैं, बिल पास हो गया है लोकसभा में, आगे कैसे इसमें बदलाव आते हैं और क्या क्या निर्णय लिए जाते हैं। अच्छा, एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर वो जो पर्टिकुलर कोऑपरेटिव बैंक है, अगर उसके शेयर्स आते हैं या उसका एक्विजिशन मर्जर होता है या प्राइवेट प्लेसमेंट होता है, तो अब इन सब पर जो एक निर्णय लेने का अधिकार होगा वो आरबीआई का आ जाएगा। तो चलिए राज्यसभा से देखते हैं क्या खबर आ रही है। राज्यसभा से ये खबर आ रही है कि इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद बिल 2020 पास हुआ, जिसके अंतर्गत जामनगर में एक संकुल स्तर का एक जो इंस्टीट्यूट था उसको नेशनल इंपॉर्टेंस का एक दर्जा मिल गया है, स्टेटस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस मिल गया है। इस जो संकुल में तीन महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट है, पहला है इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद, गुलाब
आयुर्वेद महाविद्यालय और इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस। तो अब ये नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूट बन गए हैं। 1956 में इस संकुल की स्थापना हुई थी, उसके साथ में ये इकलौता ऐसा आयुर्वेदिक संकुल है पूरे भारत में जो कि WHO के साथ में मिलकर काम कर रहा है। और आपको पता होगा जामनगर जो है वो गुजरात का एक शहर है, वही यह इंस्टीट्यूट जो है वो स्थित है। उसके बाद में जो अंत की न्यूज है वो ये है कि इंडिया ने जो जबूती कोड ऑफ कंडक्ट है या जेदा अमेंडमेंट जो है उसमें एज ए ऑब्जर्वर की भूमिका में अब भारत भी आ जाएगा। इससे पहले अगर हम देखें तो जापान, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम और USA इसका भाग था, अब भारत भी इसका भाग मिल जाएंगे। तो स्ट्रेटजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आपको बताऊंगा जबूती जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका जिसे हम कहते हैं उसका एक बहुत महत्वपूर्ण देश है ट्रेड की दृष्टि से। तो काफी ज्यादा पायरेसी की एक्टिविटी इस क्षेत्र में देखी जाती है, तो भारत के लिए काफी अच्छा होगा। उसके साथ में हम अगर इंडियन ओशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें भी भारत को बहुत अच्छी मदद मिलती हुई दिख रही है। तो चलिए आज का विश्लेषण हमारा यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।